जी व्यूअर्स, अब देखें कितनी मज़े की जो मेरी चिकन जो है बारबेक्यू टेंडर हो चुकी है। अब मैं क्या करूँगी, इसको मैं स्मोक फ्लेवर देने के लिए क्या करना है मुझे, आप लोगों को मालूम ही होगा मैं ये फॉइल रख रही हूँ बीच में और मैं इसमें कोयला रख दूँगी, मैंने जला लिया था। ये बहुत आसान ज़बरदस्त सी हमारी बारबेक्यू, उसमें खुशबू आएगी और थोड़ा सा मैं उसमें तेल डाल के बस अब मैं इसको जो है ढक दूँगी बस मेरा 5 मिनट के। जी व्यूअर्स, अब जो है मैं असेंबल करना सिखाऊंगी बिरयानी, कैसे मैं असेंबल करूंगी, ठीक है। फिर पहले सबसे पहले मैं चावल डालूंगी इसके अंदर, एक लेयर मैं चावल की पहले डालूंगी, लेयरिंग अच्छी होगी तो फिर अच्छी आपकी बिरयानी बनेगी, ठीक है। ये देखिए मैंने इतने चावल डाल दिए अपने, सही है। इसके अंदर अब मैंने जो मसाला बनाया था बारबेक्यू चिकन का ज़बरदस्त सा चटपटा सा, वो मैं इसके ऊपर आधा डालूंगी, ठीक है। आधा मैंने डाला है, थोड़ा सा बचा हुआ चिकन जो बनाई थी मैंने बारबेक्यू चिकन थी, ये मैं आधे डाल दूंगी, हिला लें इसको अच्छे से, ठीक है। थोड़ी सी बचा ली है मैंने, मैं क्योंकि मैं एक और लेयर अभी दूंगी इसकी। ये देखें, ये मैंने जो है पुदीना मिर्चें आलू बुखारे ये काट लिए थे, ये भी मैं इस पर डाल दूँगी, ठीक है। अब बाकी जो है एक लेयर मैं और दूँगी। ज़रूर ट्राई करिएगा बारबेक्यू चिकन बिरयानी, और ये खट्टे बनती है ज़ाहिर है, हम लोग वो तो बिरयानियाँ बनाते रहते हैं। अब ये देखें इसके ऊपर जो बाकी मसाला सारा था वो तो सब मैं डाल, सारा मसाला चला गया, हो गया। बाकी जो चिकन थी मेरी वो भी मैं पूरी डाल रही हूँ, गई, ठीक है। मज़े की स्पाइसी बनेगी, ज़रूर ट्राई करिएगा और फीडबैक ज़रूर दिया करें आप कि कैसा लगता है, और सब्सक्राइब करा करें मेरा चैनल, मेरा भी न्यू चैनल ही है, हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं सिखाने के लिए कि आप लोग सीख पाएँ। ये देखें बाकी चावल जो थे ना वो मैंने डाल दिया, ये देखें बाकी चावल डाल दिए, ये हो गया, सही हो गया। अब इसके ऊपर जो है ना मैं ये जर्दे का रंग, ये इसके ऊपर कितना डालना चाहिए, मैं कम डाल रही हूँ, मैं ज़्यादा नहीं डालती क्योंकि मेरे ऑलरेडी चिकन में भी कलर बहुत ज़्यादा अब हो गया, ठीक है। अब मैं इसका चूल्हा ऑन करूँगी और अब मैं दिखाऊँगी जब ये तैयार होगी, ठीक है। 15 से 20 मिनट लगेंगे इंशाल्लाह, ये तैयार हो जाएगी। अब मैं चूल्हा ऑन करके मैं बस इसको पका रही हूँ 15 से 20 मिनट के लिए, पहले तेज़ आँच करूँगी 5 मिनट के लिए, फिर हल्की आँच कर दूँगी दम पे, यानी चलेगा ये 15 मिनट तक, फिर उसके बाद आप दिखाऊँगी मैं कैसी शक्ल हूँ। जी व्यूअर्स, देखें ये बारबेक्यू चिकन बिरयानी तैयार है, ठीक है। मैंने ये भी जो है मैंने ग्रिल कर लिए थे प्याज और टमाटर ये सब प्रेजेंटेशन के लिए, तो बारबेक्यू फ्लेवर आया है, कितनी ज़बरदस्त बिरयानी लग रही है, एक एक चावल बिल्कुल अलग अलग है, देख लें, बहुत मज़े की है। ज़रूर बनाइएगा, ट्राई करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरा चैनल अगर मेरी रेसिपी पसंद आए। थैंक यू सो मच।